Bismillahir Rahmanir Rahim. Khawateen-o Hazrat, Muazziz Mehmanane Girami, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Aaj 6 September Defy Pakistan ke mauka par Qaid-e-Azam ke Mazar pe ye God of Change ki takreeb और इन फराइज़ को संभालना पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए एक एजाज़ की बात है। ये हमारे पुरखलूस जज्बा अकीदत का इजहार है जो कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक तोहफा है। आज यौम दिफा के मौका पर हम तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 1965 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें और आने वाली नस्लों को इस काबिल किया कि हम सर उठा के इस इस्लामी मुमलिकत में इज्जत से रह सकें। आज हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम सिविलियंस और अफवाज पाकिस्तान के जवामर सपूतों को जिन्होंने 1965 की जंग में अपने से बहुत बड़े दुश्मन का इस तरह मुकाबला किया कि उसके तमाम बुरे अजाइम खाक में मिल गए। हम सलाम पेश करते हैं उस कौम के लाजवाब जज्बाए हुब्बुल वतनी को जिसने अपने अज़्म व हिम्मत और मदद खुदा से एक बार फिर जंग बदर की रूह को ज़िंदा कर दिया। 1965 की जंग पाकिस्तान की बका की जंग थी। याद रहे कि ये जंग भी कश्मीर के मसले से शुरू हुई और दुश्मन ने रात की तारीकी में अचानक हमला करके ये सोचा कि शायद वो लाहौर शहर पे कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और रीच जैसे करेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए फौरन वागा बॉर्डर पे पहुंची। 6 जहाज़ों का ये फॉर्मेशन F-86 सेबर जहाज़ BRB कैनाल पे उन्होंने दुश्मन के बढ़ते हुए टैंक्स के कॉलम को निस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तानी अफवाज को ये मौका दिया कि वो अपने मोर्चों पे दिफाई पोजीशन संभाल लें और फिर डट के दुश्मन का मुकाबला करें ऑल अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने द्वारका का मशहूर ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि दुश्मन की फ़ौजों को नॉर्थ और सेंटर से साउथ की तरफ खींचा जाए और इसी तरह इंडियन एयरफोर्स को भी डाइल्यूट किया जाए। तो ये न सिर्फ फ़ौजों की इकट्ठी कोशिश थी बल्कि साथ ही वो जज्बा हुब्बुल वतनी जो आपने पढ़ा होगा कि कैसे अवाम जौक दर जौक फ़ौज की मदद के लिए पहुँचे, न सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि और वो हर चीज़ मुहैया की गई अवाम की तरफ से फ़िज़िकल प्रेजेंस के अलावा कि आज भी हम याद करते हैं कैसे लोगों के जज्बे में ये चीज़ शामिल थी कि अगर आज शहर लाहौर को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए टैंक्स के आगे लेटना भी पड़ा तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। इन सब मिसालों को सामने रखते हुए आज इस अमर की अशद ज़रूरत है कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान घिरा हुआ है, जिस तरह कश्मीर के अवाम पिस रहे हैं कि हम एक दफ़ा दोबारा अपने आपस के तफरकात को भुला के पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हों और उसी जज्बा हुब्बुल वतनी को दोहराने के लिए हम वक्त तैयार रहें। याद रखिए 1965 की जंग में मारका आराई हो
और वो कारनामे जो आपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के अच्छी तरह सुन रखे हैं, या 1971 में या अभी हाल ही में 27 फरवरी को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, तमाम आवाम की तरफ से, उस किस्म की कोई मार कर आई हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आवाम, हम सब इकट्ठे खड़े हैं और दुश्मन के किसी भी किस्म के इस सिचुएशन का बखूबी मुकाबला करेंगे और उसे नेस्तो नाबूद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स पाइंदाबाद। शुक्रिया।